गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, मुझे इतना सारा प्यार, लाइक, भर भर के कमेंट्स, सब कुछ देने के लिए मैं तहे दिल से आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अब नेक्स्ट मैं जो आज वीडियो लेके आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है, तो आप स्टार्टिंग टू एंड सारी देखें जिससे कि आपको एक ही वीडियो में सारा कॉन्टेंट मिल जाएगा एक सब्जेक्ट पे। तो आप पूरी वीडियो देखें और वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। अगर आप नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आपको न्यू वीडियोस और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले। तो गाइज अगर आपके झाइयां हैं, दाग हैं, धब्बे हैं फेस पे, तो उनको कैसे आप नेचुरल प्रोसेस से रिजॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ऐसे कि हम नेचुरल प्रोसेस से कैसे चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं, हमें कुछ क्रीम नहीं लगानी, टैबलेट नहीं खानी, कोई प्रोसेस नहीं कराना है डर्मेटोलॉजिस्ट से, कि हम नेचुरल चीज़ें करें और रिजॉल्व हो जाए। बट इस सिचुएशन में आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि हर चीज एक जो ऐसी चीजें होती हैं एकदम से खत्म नहीं होती हैं, ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ। अगर आप नेचुरल वे से चल रहे हो तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। तो मैं आज एक ऐसा ही टॉपिक लेके आई हूँ, एज लाइक कि आपके झाइयां, पिंपल, दाग धब्बे जो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ वो हैं, तो आप उनको कैसे रिजॉल्व करोगे। तो गाइस पहले तो ये होते कैसे हैं, सबसे पहले आप खाना ढंग से नहीं खा रहे हैं, खाना ढंग से नहीं पच रहा है, धूप का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो रहा है और झाइयाँ उसकी वजह से हो जाती हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप धूप में निकले तो सनस्क्रीन लगा के निकले, राइट। और अगर आप खाना सही से डाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बहुत च्यूइंग करके खाने को खाएं, मतलब कि अच्छे से खाना च्यूइंग करें, मतलब बारीक 32 वैसे तो बोलते हैं बट इतनी बार हम कर नहीं सकते, बट तब भी आप मैक्सिमम जितने टाइम आपने खाने को च्यूइंग करोगे उतना अच्छा आपके शरीर में जाके खाना पॉजिटिव वे में एज लाइक अ ब्लड बनाएगा, अच्छे से प्रोसेस होगा जिससे कि आपके फेस पे बहुत अच्छी सी चमक आएगी। साथ ही साथ आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, जूसेस पिएं और पानी का सबसे ज्यादा ध्यान रखें। ये तो हो गई कि जो क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, क्या क्या चीजों का बेसिक काम में ध्यान रखना चाहिए। अगर अब हो जाती हैं और या जिनके झाइयां, दाग धब्बे बहुत ज्यादा पुराने हैं, तो उस केस में वो क्या करें जिससे कि उनकी त्वचा एकदम निखर जाए, गोरी हो जाए, साइन करे और कोई बोले जब भी कोई देखे थोड़े टाइम के बाद में कि हाय मैंने जब तुम्हें 3 महीने पहले दिखा था तो ऐसी थी, 2 महीने पहले दिखा था ऐसी थी, क्या कर लिया है तुमने, तुम्हारे फेस पे इतना जाना रौनक है, चमक है, ऐसा तुम क्या कर रही हो। तो मैं उस सब चीज को लेके आई हूँ। तो गाइज अब मैं बताने जा रही हूँ कि आपको इस रेमेडी को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, इस DIY को ये बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। ये कहीं आपको YouTube पे नहीं मिलेगी, मेरी खुद की बनाई हुई है, क्योंकि मैंने ऐसे एक्सपीरियंस किया है जिनके जो हुआ था तो मैंने ये बताया उन्हें और उन्होंने किया उनके फेस पे बहुत ज्यादा। तो जरूरी नहीं है हर के फेस पे से एकदम से क्लीन हो जाए, अपनी अपनी बॉडी और स्किन की पे डिपेंड करता है। किसी को बहुत जल्दी असर हो जाता है, किसी को लेट असर होता है, किसी को होता भी नहीं है, राइट। तो आप इस चीज को ये मत मान के चलो कि हो ही जाएगा, डिपेंड करता है कि आपकी स्किन, आपकी बॉडी कितना आपका साथ देती है, राइट। तो अभी बताने जा रहे हैं हम, तो मैंने सबसे पहले लिए तुलसी के पत्ते, राइट, झाइयों को खत्म करने के लिए, दाग धब्बों खत्म, तो मैंने तुलसी के पत्ते लिए, एलोवेरा लिया और नींबू लिया, तीनों को डाल के इसमें मिक्स कर दिया और ये मैंने बना लिया, मिक्सी में पीस लिया, राइट। तुलसी के पत्ते, एलोवेरा जेल और नींबू का रस, ये तीनों आपकी स्किन के लिए, तुलसी में ओजोन होती है जो कि आपकी स्किन की जितनी भी गंद होती है उस सब को निकाल के फेंक देती है और आपकी डेड स्किन को खत्म करती है और न्यू कुछ पिंपल्स वगैरह नहीं उगने देती है, अगर आप कंटिन्यूसली वे में ये वाली चीजें करते हैं। और जहां पे तुलसी पैदा होती है, मतलब जो लोग तुलसी की खेती करते हैं वो लोग तो अक्सर ही खाते भी हैं, पीते भी हैं, पानी के साथ भी सटक रहे हैं और क्या बोलते हैं चाय में भी डाल रहे हैं, सब्जियों में भी डाल रहे हैं, मतलब तुलसी इज लाइक उनके लिए रामबाण है, वो हर रोग को खत्म करने वाली है। तो आप ये चीज अपनी डेली लाइफ में भी ले सकते हो, मैं तो लेती हूँ, तो आप भी ले सकते हो। जैसे दिन में अगर आप 2 बार चाय पी रहे हैं, 1 बार तुलसी की चाय, जैसे अदरक की चाय पीते हैं ऐसे तुलसी की चाय, तो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा चीजों को खत्म करेगी, अच्छे से मेंटेन रखेगी आपको, राइट। एलोवेरा जेल का तो आपको पता ही है कि आपके चेहरे को साइन ही करता है, स्किन को लाइटनिंग करता है और वाइटनिंग करता है और एक फेस पे ग्लो देता है। अब रही बात तीसरी, नींबू क्या करता है, आपके एंटीऑक्सीडेंट होता है नींबू, आपके हमेशा चीजों को क्लीन करने में, विटामिन सी होता है नींबू में, वो आपकी स्किन, और विटामिन सी आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, विटामिन सी का सीरम भी अगर लगाओगे, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी,
तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लॉसी इज लाइक अच्छी हो जाएगी। तो ये तीनों चीज मिक्स करके आप दिन में, अगर आप वर्किंग हैं तो नाइट में सोते टाइम लगाएं और मॉर्निंग में उठते के साथ फेस वेस वॉश करने के बाद में ये लगा सकते हैं, और ये 4-5 दिन के लिए स्टोर करके आप फ्रिज में रख सकते हैं। मैंने कर रखा है, अभी मैं कर रही हूँ इसीलिए मैंने ये स्टोर करके रखा, और स्टोर करके रखा तो मेरे पास ये ऐसा है, और मैंने काफ़ी सारा लगा लिया है इसमें से, तो मैं डेली लगा रही हूँ तो मेरी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइट हो रही हैं, आप देख सकते हो। तो गाइज ये आप डेली फेस वॉश करने के बाद में मॉर्निंग में, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो मॉर्निंग में लगाओ, दोपहर को लगाओ, शाम को लगाओ, आप 1 महीने में ही अगर आप 3 बार ट्राई करते हो, गारंटी के साथ मैं कहती हूँ अपनी स्किन में एक नया बदलाव पाओगे। आप करके देखो, क्योंकि मैं खुद भुक्त हो गई हूँ, मैं करके देख रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है। अभी मुझे सिर्फ 8 दिन हुए हैं, मुझे इसका रिजल्ट दिखने लग गया, तो मैंने सोचा मुझे अपनी फैमिली को भी ये वाली इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, इसीलिए मैंने फिर ये वीडियो आपके लिए बनाया। तो ये आप करके देखिए, जिनकी पुरानी से पुरानी दाग धब्बे, जिनकी पुरानी से पुरानी झाइयां हैं, अगर वो ये चीज करेंगे, ओ माय गॉड कितना अच्छा रिजल्ट आने वाला है। आप करके देखिए तब आपको पता चलेगा, देन आप मुझे कमेंट करके बताना। पहले से मैं कुछ नहीं कर रही हूं, जब आप करोगे देन आपको पता चलेगा हाँ पिया दी सही बोल रही थी, ये सच में ये वाला नुस्खा कारगर है, और आप करोगे तो आपको बहुत इफेक्टिव है। और हाँ, पुराने से पुराने चीजों को और खत्म करता है, क्योंकि ये जड़ से चीजों को खींचती है, तुलसी एलोवेरा जेल आपकी की जो स्किन सॉरी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो राइट गाइज, तो आपको अगर ये चीज़ें पसंद आई हो तो प्लीज़ ये यूज़ करो जिनको प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं जो भी टॉपिक लाती हूँ मैं चाहती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाए, और वो जल्दी से जल्दी हेल्दी हैप्पी एंड नेचुरल चीज़ों से अपने आप को ठीक कर पाएं, क्योंकि नेचुरल चीज़ों से को हम जितना भी रूटीन में अपनी लाइफ में लेंगे वही चीज़ें कारगर रहेंगी। और अगर हम नेचुरल चीज़ों को नहीं लेंगे तो थोड़ी थोड़ी टाइम तक जो भी हम टैबलेट्स लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, मेडिसिन जितनी भी लेते हैं वो थोड़े टाइम तक कारगर है, फिर एक नई प्रॉब्लम हो जाती है, फिर कोई एक साइड इफेक्ट हो जाता है। तो बेटर इज दैट कि यू कैन नॉट टेक एनी मेडिसिन फॉर एनी थिंग एल्स एज लाइक झाइयाँ हैं, पिम्पल्स एंड ऑल थिंग्स, तो यू अवॉइड ऑल थिंग्स, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आप ये ट्राई करके देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइज आज के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, हैप्पी टीचर्स डे, बाय बाय। हाँ, और मैं सबके लिए टीचर्स डे की विशेष दिन, और तो गाइज हैप्पी टीचर्स डे, जो जो जिनके टीचर्स हैं वो अपना नाम मुझे अपने कमेंट बॉक्स में, मेरे कमेंट बॉक्स में बताना कि उनके क्या क्या टीचर्स के नाम थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा, और क्या क्या उन्होंने मतलब देखा है। और वैसे मैं तो कहना चाहूंगी कि आपका फर्स्ट टीचर आपकी मदर होती है, राइट? आप मदर की सारी चीज़ें मानो, वो आपकी हमेशा जिंदगी भर टीचर रहती है, आपकी सारी चीज़ों को सुनती है, अच्छे से करती है। तो गाइज मेरा मानना है कि आपकी फर्स्ट टीचर मदर, सो प्लीज़ रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, मदर एंड फादर। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई लव यू, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड एंड हैप्पी एंड हेल्दी योर लाइफ, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।